मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में हुए बस हादसे में अनमोल जिंदगियों के असामयिक निधन पर गहन शोक व्यक्त किया। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय जिला चिकित्सालय गुना पहुंचकर बस हादसे में घायल लोगों से उनकी कुशल क्षेम जाना एवं मृतकों के परिजनों से मिल शोक संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने के भी निर्देश जिला प्रशासन को दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना बस दुर्घटना मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक गुना और प्रमुख सचिव परिवहन को उनके दायित्व से मुक्त कर अन्यत्र पदस्थ किया गया। परिवहन आयुक्त को भी स्थानांतरित किया गया। परिवहन अधिकारी और समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचाने के लिए नगर पालिका अधिकारी को दोषी मानते हुए उनके निलंबन के पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। गुना जिले में हुए बस हादसे में लोगों के असामयिक निधन पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही इस दुर्घटना में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना बस हादसा मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो गंभीरता से जांच कर घटना की रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को इस मामले से जुड़े संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिवहन विभाग को दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा है। सभी कलेक्टर्स और एसपी को भी बगैर परमिट चलने वाले वाहनों पर सतर्कता बरतने और दोषियों के विरुद्ध कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राष्ट्रीय सेवा के प्रखर मार्गदर्शक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय सुंदरलाल पटवाजी की पुण्यतिथि पर निवास पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की एवं मध्य प्रदेश के विकास में दिए गए उनके अतुलनीय योगदान का स्मरण किया।